नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिवोटेड लर्नर्स में। डिवोटेड लर्नर्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेशन लेकर आया है, जो कि फैक्ट सेशन है, जो आपके आगामी प्रीलिम्स एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि इससे हमारा भी मनोबल बढ़े, और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज द एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास है जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरुआत कर रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों में सबसे पहला नाम आता है वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत आता है, और इसने भारत के लिए अगर आप बात करें तो नए समुद्री मार्ग की इसने खोज की। इसका सहायक जो था वो अहमद इब्न मजीद था, और कालीकट के शासक जमेरियन के द्वारा इसका स्वागत किया गया था, जहां इसने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति की। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है पुर्तगालियों में वो आता है फ्रांसिस्को द अल्मीरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसराय एवं गवर्नर था 1505 ईस्वी में, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में प्रभुत्व की स्थापना करना था। तीसरा नाम आता है दोस्तों अल्फांसो द अल्बू कर्क का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, और 1510 में अगर हम बात करें तो 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, और मलक्का एवं हरमुज पर अधिकार किया था। हरमुज जो कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता ये था 1503 में। कोचीन में जो है वो पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया गया था। इसके बाद जो समय है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्षों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी HEIC के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में जॉन कंपनी के नाम से, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी थी। शुरुआत में अगर हम बात करें तो यह कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसने कि ग्रांट किया था इंग्लिश रॉयल चार्टर के द्वारा, एलिजाबेथ वन का जो चार्टर था December 31st 1600, जिसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, और यह अधिकार पत्र 15 वर्षों के लिए था। यह अधिकार पत्र जब प्रदान किया था तब भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह जो था वो अकबर था। 1611 ईस्वी में कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मुस्लिम पट्टनम में स्थापित किया गया था, और उस समय तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर था। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सेवरल हिस्टोरिकल यूरोपियन कंपनी का चार्टर्ड के द्वारा एशिया में ये काम कर रही थी, और मेनली अगर हम बात करें तो इंडिया में ये काम कर रही थी। तो 1600 में अगर आप बात करें तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, 1771 में स्वेडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, और 1628 में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल नाम था वो था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल लेस, जिसकी स्थापना 1664 में जो है वो की गई थी। इसका जो संस्थापक था दोस्तों वो कॉलबर्ट था, कॉलबर्ट जो लुई 14वें का मंत्री था, और इसका निर्माण जो है वो राज्य के द्वारा किया गया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खर्च था, खर्च के लिए जो धन था वो राज्य के द्वारा प्रदत्त किया जाता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत के लिए रवाना हुआ। आपकी स्क्रीन पर ये फ्रेंच इन इंडिया के जो फास्ट फैक्ट्स हैं, जिसमें फ्रेंच
इंडिया रिजाइन 1668 टू 1954 तक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 से 1794 तक थी, इनका कैपिटल जो था इंडिया में पौंडीचेरी था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था वो कॉलोनी था, फर्स्ट कमिश्नर इंडिया में फ्रांसिस कोरोन था और फर्स्ट गवर्नर इंडिया में फ्रांसिस मार्टिन था। 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई थी और 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार का जो फैक्ट्री प्रमुख था वो था जॉब चॉर्नक, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भारतीय जो राज्य था वो था बिहार। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेजी अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट, और ये युद्ध जिसको कि बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है, जो कि 1612 में हुआ था, जिसमें पुर्तगीज और ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश इंडिया जो है ये कंपनी जो है वो काम लड़ रही थी, और अंग्रेज का जो अधिकारी था वो था थॉमस बेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाला जो यूरोपीय शक्ति था वो था पुर्तगाली, और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने के अगर क्रम के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आप क्रम देखेंगे तो सबसे पहले भारत जो आए थे वो थे आपके पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद जो भारत में आए थे वो थे आपके डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, और डेन के बाद अगर आप बात करें तो फ्रांसीसी जो थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आप सभी को, ये सारे फैक्ट्स आप सभी को अच्छे से याद हो रहे हैं। भारत में सबसे पहले 1498 में आने वाले और सबसे अंत में यानी कि 1961 में जो जाने वाले यूरोपीय शक्ति थी वो पुर्तगालियों की थी। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों के द्वारा। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वो कन्नूर में लगाई थी। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से जो नष्ट किया गया था वो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया। मुसलीपट्टनम जहां प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, पीपली डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी फैक्ट्री का स्थापना स्थल था जहां 1667 में स्थापना किया गया था। ये तो कुछ जानकारी है आप सभी के लिए जो कि मैं आप सभी के साथ साझा भी कर रहा हूं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष देखने को मिल रहा होगा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी थी जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। 1599 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से जानी जाती थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कि वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी के नाम से जाना जाता था। 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में कंपनी देश इंडीज ओरिएंटल जो कि फ्रांसीसी कंपनी थी। अगर हम महत्वपूर्ण संधियों के बारे में अगर हम बात करें जो कि यूरोपियों के आगमन के बाद हुआ था, तो इस महत्वपूर्ण संधि में अगर हम देखें तो सबसे पहली जो संधि है जिसको कि हम इलाहाबाद के संधि के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद के संधि जो है वो दो संधियां हुई थी। प्रथम संधि जो है वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। दूसरी जो संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, यानी कि दोनों संधियों के बीच में जो दिन का गैप था, मात्र 4 दिन का गैप था, जिसमें एक पक्ष अंग्रेजों का था और दूसरे अवध के नवाब सुजादुल्ला के मध्य हुआ था। इसके बाद जो दूसरी संधि हुई थी दोस्तों, वो मद्रास की संधि हुई थी जो 1769 में हुई थी, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज थे। उसके बाद सालबाई की संधि हुई थी जो 1782 में हुई थी, जो कि अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। और उसके बाद मंगलोर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान। भारत में अगर कंपनियों के बारे में बात करें तो पुर्तगुज जो आए थे वो 1505 से 1961 तक इनका शासन था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नीदरलैंड की कंपनी थी, 1605 में आए और 1825 तक इनका कार्यकाल रहा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डेनमार्क की कंपनी थी, 1620 में आई और 1869 तक इनका कार्यकाल रहा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1668 में आई और 1954 तक इनका कार्यकाल रहा।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1612 में आई और 1757 तक इनका कार्यकाल रहा। ब्रिटिश कंपनी रूल 1757 से लेकर 1857 तक थी और ब्रिटिश एम्पायरल रूल जो कि 1858 से लेकर 1947 तक थी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में, तो सबसे पहला संघर्ष जो है वो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, जो कि 1746 से लेकर 48 तक चला था और उसके तात्कालिक कारण जो थे वो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार भी हो रहा था, ठीक है ना। तो फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक 1746 to 48, इमीडिएट रीजन जो थे वो क्या था, कैप्चर ऑफ सम फ्रेंच शिप्स बाय द इंग्लिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंग्लिश कैप्टन बर्नार्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सेला साफेल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में, जो कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद वॉन्डी वॉस का युद्ध हुआ अंग्रेज के साथ फ्रांसीसियों का, जो कि 1760 जनवरी में हुआ था। और इस समय नेतृत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय जो नेतृत्व था वो आयरकूट का अंग्रेजी सेना के द्वारा काउंटर दी अली कर रहे थे फ्रांसीसी सेना का, और परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था। कुछ महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं वो आप सभी के सामने दिख रहे होंगे, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि पुर्तगालियों के दो दुर्गों का निर्माण किया गया था, एक दीव जो है वो आपके अजी दीव है और दूसरा आपका कन्नूर दीव। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका है 1529 to 38, जिसमें पुर्तगाली गवर्नर जो था वो नीनो डी कुन्हा था। 1534 बंगाल के शासक गायल सिदुन महमूद शाह, जिसने कि पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापित करने की अनुमति दी थी, एक सतगांव में और दूसरा चटगांव में। 1761 में अगर आप देखेंगे तो मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा, जो कि गोवा का पुर्तगाली गवर्नर था, और 1961 में पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हो चुका था। तो ये महत्वपूर्ण वर्ष है जो कि आपके आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। 1661 में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1661 में जो कि समय था चार्ल्स द्वितीय का, जो कि इंग्लैंड के सम्राट थे, और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी, इन दोनों का विवाह हुआ और विवाह में दहेज के रूप में बंबई प्रांत जो है वो चार्ल्स द्वितीय को दिया गया। 1668 में अगर हम बात करें तो चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बंबई को जो है वो 10 पौंड वार्षिक किराए पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा और भी जो अतिरिक्त जानकारियां हैं तो वो जानकारियां क्या हैं कि रणजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने को लाहौर और अमृतसर में स्थापित किया था। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद संस्कृत भाषा में कराया था। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाली मुस्लिम शासक का जो नाम था वो था टीपू सुल्तान। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 में। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ, जो कि 1865 में जो है वो जॉर्ज एलन ने जो है इसको इलाहाबाद में जो है इसको प्रारंभ किया। 1878 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई जो पत्रिका थी उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। इसके अलावा और जो फैक्ट्स हैं आपके लिए, जैसे बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ, तो मुर्शिद कुली खान जो कि अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किया गया था, इसने इजारा व्यवस्था जो कि भूमि बंदोबस्त से प्रारंभ से संबंधित है और इसकी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद यानी कि मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने के लिए इसका नाम जाना जाता है। इसके बाद आता है अली वर्दी खान 1740 से लेकर 1756 ईस्वी, और यूरोपीय शक्तियों की तुलना इसने मधुमक्खी से की थी। इसका एक प्रसिद्ध कथन था, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार देंगी, ऐसा इन्होंने यूरोपीय शक्तियों के बारे में कहा था। इसके बाद समय आता है सिराजुद्दौला का 1756 से लेकर 1757 का। अलवर्दी खां का दौहित्र एवं उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में इसी के समय में हुई थी और प्लासी के युद्ध में यह रॉबर्ट क्लाइव से जो है वो परास्त हो गया। इसके बाद समय आता है मीर कासिम का, जो कि 1760 से लेकर 63 तक इसका कार्यकाल था। अलवर्दी खां के
उत्तराधिकारी नवाबों में से सबसे योग्य इसको माना जाता था। इसने पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार ये था। राजधानी इसका मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर की तरफ स्थानांतरित किया। सेना का जो गठन था इसने यूरोपीय पद्धति पर निश्चय किया था। मुंगेर में इसने तोपे तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की थी और बक्सर में इसने युद्ध के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से ये परास्त। इसी के समय आपका एक समय है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला ये व्यक्ति था। 1757 से 60 और 65 से 67 तक ये बंगाल का गवर्नर था। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के समय हमें हुई थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय तथा सिजाउद्दौला के साथ हुई थी। इसने श्वेत विद्रोह इसी के समय हुआ था, जो कि अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह था। बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक ये था और सैनिक के रूप में ये एक जन नेता के रूप में ये जाना जाता था। इसके अलावा अगर और भी अतिरिक्त जानकारियों के बारे में अगर हम बात करें, तो पलासी युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पलासी जो वर्तमान पलाशी का जो युद्ध था या युद्ध का मैदान था, वो पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित था और ये भागीरथी नदी के किनारे था। कंपनी द्वारा नियुक्त दो उप दीवान थे जो कि दीवानी कार्य हेतु थे। एक था आपका मोहम्मद राजा खान, जो कि बंगाल के लिए था, और दूसरा आपका था राजा सिताब राय, जो कि बिहार के लिए था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त हुआ था और मीर कासिम अवध के नवाब सिजादिल्ला दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज था। अंग्रेजी सेना की कमान जो है वो मेजर हेक्टर संभाल रहा था, मेजर हेक्टर मुनरो, और बंगाल का तत्कालीन नवाब उस समय मीर जाफर था। शाह वो आलम द्वितीय की जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, दूसरी संधि, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। इलाहाबाद में रखा गया और अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को जो है वो प्रदान कर दिए गए। 12 अगस्त 1765 को एक फरमान आया और इस फरमान में कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी स्थायी रूप से प्रदत्त कर दी गई। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष देय के बारे में बात की गई थी। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी जो है, डुप्ले जो कि पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राजदरबार में नियुक्त करवाया गया था। सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना था। तो कैसा लगा ये जानकारी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। ऐसे ही और भी क्लासेस आपको रोज देखने को मिलेंगे अन्य विषय पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।